किसान साथियों, हमारी फसलों में नेमाटोड्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, आप सब जानते हैं नेमाटोड्स हमारी फसलों की जड़ों पर अटैक करता है, और जब जड़ों को अटैक करता है तो क्या होता है, जड़ें खोखली हो जाती हैं, और जड़ डैमेज होने से क्या होता है, पूरा प्लांट एकदम से हमारा बेकार हो जाता है। क्योंकि किसी भी पौधे का सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो रूट्स है। रूट्स हेल्दी तो बाकी पौधा हेल्दी रहता है। अगर रूट्स ही डैमेज हो जाए तो पौधा बहुत तेज़ी से ख़त्म हो जाता है। देखिए, ऊपर के अगर ब्रांचेस को हम कट भी कर दें और रूट्स हेल्दी है तो ब्रांच नहीं निकल आती है, लेकिन अगर रूट्स डैमेज हो जाए तो फिर पौधे को सर्वाइव नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए जो नेमाटोड्स एक बहुत बड़ी समस्या है, स्पेशली जो रूट नॉट नेमाटोड्स होता है वो बहुत ज़्यादा अटैक करता है, सबसे ज़्यादा अटैक उसी का देखने को मिलता है। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम नेमाटोड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे, कैसे कंट्रोल करना है, क्या क्या सावधानी रखनी है यदि आपके खेत में है, इसका ऑर्गेनिक कंट्रोल क्या है, यदि जैविक खेती आप करते हैं तो ऑर्गेनिक कंट्रोल क्या है, और इसका केमिकल कंट्रोल क्या है, कौन कौन से बेस्ट कीटनाशक हैं इसको इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए, प्रिवेंटिव में भी और आने के बाद भी हम क्या क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। देखिए, कुछ किसान भाई कंफ्यूज हो जाते हैं नेमाटोड्स और जो हमारा राइजोबियम जो होता है जीवाणु को, तो उसके जो नूडल्स होते हैं उसकी जो गांठ होती है, यानी कि नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले जीवाणु होते हैं उनकी भी, उनमें भी गांठें होती है जड़ों में, तो उसमें वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं ये भी नेमाटोड्स है और वो तरह तरह की दवाई डालते हैं। ऐसा ही एक किस्सा हुआ मेरे साथ भी कि एक हमारे किसान भाई थे, वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझे एक लेगूम क्रॉप थी तो उन्होंने उसका रूट्स लगाए थे वो, और बताया कि इसमें ऐसे गांठें बन रही हैं, इसमें नेमाटोड्स है। मैं मार्केट से दवा भी लेकर आया, मैंने वहाँ दुकानदार को दिखाया तो उसने ये दवाई दी और मैंने ये डाल भी दी, लेकिन उसके बाद भी कोई कंट्रोल नहीं मिल रहा। तो मैंने उन्हें बताया कि ये नेमाटोड्स नहीं है, ये नाइट्रोजन फिक्सिंग वाले जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी गांठें हैं, उनके नूडल्स हैं, तो ये बेनिफिशियल होते हैं, तो हमें इनके बीच में जो आइडेंटिफिकेशन है वो होना चाहिए। तो वो भी हम इस वीडियो में समझेंगे, क्योंकि अगर आप भी बेवजह ऐसे ही कीटनाशक डाल रहे हैं तो वो आपकी फसल को नुकसान करेगा। देखिए, उनकी फसलों में जो पीलापन था वो और वजह से था, लेकिन रूट में उनको देखकर, वो गांठों को देखकर वो सोच रहे थे कि नेमाटोड्स की वजह से, लेकिन वैसा कुछ नहीं था। तो डिटेल में समझेंगे नेमाटोड्स के बारे में। और देखिए, कुछ किसान साथी हमें कमेंट भी करते हैं जो शायद हमसे नए जुड़े हैं, उनका मानना होता है कि आप एक कमरे में बैठ के हमें जो ये वीडियो बनाते हो तो आपको कुछ एक्सपीरियंस भी है, अनुभव भी है या नहीं है। जो हमारे पुराने साथी हैं, ज़्यादातर साथी हैं, वो सब जानते हैं, लेकिन कोई एक आध नया जुड़ते हैं वो एक कमेंट हमें ऐसा देखने को मिल रहा है, बार बार एक ही किसान कमेंट कर रहे हैं। तो उनके लिए बता दूं कि इस किसी कमरे में बैठ के या किताबों को पढ़ करके कोई भी एक्सपीरियंस नहीं आता है, कोई भी जानकारी आपको इतनी अच्छे से नहीं दी जा सकती है। देखिए, जो भी जानकारी देता हूँ मैं वो फील्ड में जाके एक्सपीरियंस करता हूँ। मैं फील्ड में पिछले 7 साल से मैं वर्क कर रहा हूँ एक कंपनी में, और मैं वेजिटेबल्स में प्रोडक्शन में, सीड प्रोडक्शन में मैं वर्क कर रहा हूँ, और मैं वहाँ जाके काम करता हूँ, उसके एक्सपीरियंस के आधार पर वहाँ पे हम अनुभव करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब हम आपको ये जो भी नॉलेज है, ये जो वीडियो बनाते हैं वो उसके आधार पर हम आपको बताते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं कमरे में बैठ के किताबों में पढ़ के आपको जानकारी देता हूँ, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो उस गलतफहमी को आप निकाल दें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, नेमाटोड्स के बारे में आप जानते हैं, नेमाटोड्स को हम सूत्रकृमि के नाम से भी जानते हैं। नेमाटोड्स को देख नहीं सकते हैं, बहुत छोटे आकार के होते हैं, बेलनाकार होते हैं, जैसा स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, नेमाटोड्स क्या करते हैं, ये हमारे पौधे की जड़ों के अंदर घुस जाते हैं और ये जड़ों को खाते हैं, और जड़ों के अंदर घुस करके जड़ों को खोखला कर देते हैं, और जो इनकी जो मादा होती है नेमाटोड्स वो क्या करती है, वहाँ पे अंडे देती है। अंडे देने से क्या है, जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, और देखिए जड़ जो है वो खोखली हो जाती हैं। अब जब जब जड़ खोखली हो जाएंगे तो क्या होगा कि जड़ न्यूट्रिशन यानी कि जो पोषण है जमीन से और पानी है वो लेना बंद कर देती है, जिससे पौधे का डेवलपमेंट रुक जाता है। यदि आप ऊपर के प्लांट पे अगर नज़र देख, ऊपर के प्लांट पे अगर सिम्टम्स नज़र आएंगे तो वो ऐसे नज़र आएंगे कि नेमाटोड्स का अगर अटैक है तो आपका प्लांट एक तो पीला दिखाई दे सकता है, प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट झाड़ी नुमा हमें दिखने लगता है, और कभी कभी प्लांट एकदम विल्टेड का सिम्टम्स भी शो करता है कि प्लांट एकदम मुरझा जाता है, ऐसा भी सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। तो जब ये ऐसा सिम्टम्स नज़र आ रहा है तो आपको क्या करना है, उसकी जड़ों को निकाल कर देखना है। जड़ों में आपको क्लियरली नज़र आ जाएंगी कि जड़ों में गांठें बनी हुई हैं, तो आप समझ जाइए कि नेमाटोड्स का अटैक है, तो हमें इसको कंट्रोल करना पड़ेगा।
तो जड़ों में देखिए, जैसा पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह की गांठें नजर आ रही है। अब देखिए लेग्यूम क्रॉप के अंदर कुछ क्रॉप होती हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाले बैक्टीरिया होते हैं जो वो जड़ों में गांठें बनाते हैं, क्योंकि वो एनवायरनमेंट से जो नाइट्रोजन है वो भूमि में फिक्स करते हैं। तो उसके लिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारी क्रॉप है, ढेंचा की क्रॉप है। तो इसके रूट्स में अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से गांठ, छोटी छोटी आपको ऐसी गांठें नजर आएंगी। लेकिन इन गांठों की खास बात यह होती है कि ये साइड में होती हैं, जड़ों की साइड में होती हैं। इनको आप हटाएंगे तो आसानी से हट जाएंगी। लेकिन जो नेमाटोड्स वाली गांठें होती हैं वो जड़ों के अंदर ही होती हैं, वो जड़ों में होती हैं, जड़ों के अंदर होती हैं, यानी कि जड़ें ही फूल फूल कर मोटी हो जाती हैं, वहाँ पे जगह जगह गांठें पड़ जाती हैं, उनको आप हटा नहीं सकते हैं। लेकिन इन गांठों को आप इजीली आप हटा सकते हैं। जो हमारी जो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली बैक्टीरिया की जो गांठें होती हैं, जो नूडल्स होते हैं, उनको आप इजीली हटा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके का अंतर होता है, तो आप क्लियरली पहचान सकते हैं। तो अगर लेग्यूम क्रॉप के अंदर ऐसा है तो वो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने वाली हैं। अगर इस तरीके की आपको दिख रही है जैसे स्क्रीन में आप देख रहे हैं, अगर अदरवाइज और तरह की है तो समझ जाइए कि नेमाटोड्स है। तो इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है नेमाटोड्स की समस्या को। देखिए नेमाटोड्स सबसे ज़्यादा जो हमारी फसलों में अटैक करता है वो गर्मियों के सीजन में करता है। इसको वार्म वेदर पसंद होता है, या और ज़्यादा ह्यूमिडिटी हो या बारिश लगातार हो रही है उस समय ये तेज़ी से एक्टिव होता है, तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है। तो देखिए इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो जिस खेत में नेमाटोड्स है उस खेत की मिट्टी, या आप उसमें चल रहे हैं, आपके पैरों में मिट्टी, या आपके कुछ कल्टीवेट वगैरह कर रहे हैं औजारों से जो लगी मिट्टी, दूसरे खेत में ना जाए। अगर ऐसा होगा कि उस खेत की मिट्टी, इन्फेक्टेड मिट्टी दूसरे खेत में पहुंचेगी किसी भी माध्यम से, तो उस खेत में भी नेमाटोड्स की समस्या बढ़ जाएगी। इसलिए जिस खेत में नेमाटोड्स की समस्या है वहाँ पे जो भी वर्क कर रहे हैं आप, उसको फिर आप चाहे आप उसमें पैदल चल रहे हैं तो आप अच्छे से वहीं पे पैरों को धुल लें, बूट को धुल लें, या आप कोई भी मशीनरी यूज कर रहे हैं तो उसको भी अच्छे से धुलकर दूसरे खेत में उपयोग करें, ये सावधानी आपको जरूर रखनी है। उसके साथ साथ देखिए नेमाटोड्स के कंट्रोल के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला जो आप कर सकते हैं, यदि हम कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस की बात करें जिससे नेमाटोड्स की समस्या कम होती है, पहला होता है सॉइल सोलराइजेशन। अगर नेमाटोड्स की समस्या आपके खेत में बार बार आ रही है, बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आप सॉइल सोलराइजेशन कर सकते हैं। सॉइल सोलराइजेशन कैसे करते हैं, ये गर्मियों के मौसम में होता है जब जो टेम्परेचर है वो पीक पे होता है, यानी कि हाई टेम्परेचर होता है, उस समय हम सॉइल सोलराइजेशन करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हमारी खेत की जुताई करके उसमें पानी देते हैं, और फिर जैसे ही उसमें अच्छी नमी बनी रहती है, पानी सूख जाता है, नमी बनी रहती है, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट जो पारदर्शी वाइट सीट बिछा देते हैं, वाइट जो हमारी पोलोथीन है, पिन्नी है, उसको बिछा देते हैं, कवर कर देते हैं, जिससे उसमें हवा वगैरह ना जाए। तो इससे क्या है, जब सनलाइट पड़ती है ऊपर से तो जो अंदर का टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जिससे जो नेमाटोड्स के एग हैं या नेमाटोड्स हैं वो नष्ट हो जाते हैं, या और भी कोई पैथोजन है वो नष्ट हो जाता है। तो इससे काफ़ी हद तक हमें कंट्रोल देखने को मिलता है। तो इस तरीके से सॉइल सोलराइजेशन भी आप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप गर्मी में अगर सॉइल सोलराइजेशन भी नहीं कर रहे हैं तो गर्मी में आप गहरी जुताई करके छोड़ दें, जिससे नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। तो इससे क्या है, जो अंडे हैं, एग वगैरह हैं नेमाटोड्स के, वो ऊपर आ जाते हैं, तो वो भी डायरेक्ट सनलाइट के कॉन्टैक्ट में आने से वो भी नष्ट हो जाते हैं। तो दूसरा, आप गहरी जुताई करके भी छोड़ सकते हैं। उसके साथ साथ आप जो क्रॉप का रोटेशन भी कर सकते हैं कि जिस क्रॉप में बार बार आ रहा है तो एक बार ऐसी, फिर उस खेत में ऐसी क्रॉप लगाएं जो सस्पेक्टेबल नहीं है नेमाटोड्स के लिए, यानी कि नेमाटोड्स उस पर अटैक नहीं करता है, ऐसी क्रॉप आप लगा सकते हैं। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो गेंदे की क्रॉप आती है, मैरी गोल्ड भी जो नेमाटोड्स की समस्या को कम करती है नेचुरल रूप से, क्योंकि मैरी गोल्ड जो होता है, गेंदा की जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों से कुछ ऐसा केमिकल निकलता है जो नेमाटोड्स की संख्या को कंट्रोल करता है। तो या तो आप उस खेत में मैरी गोल्ड लगा दें एक बार, या जो भी आप मेन क्रॉप ले रहे हैं उसके बीच बीच में एक एक लाइन आप जो मैरी गोल्ड है उसकी लगा सकते हैं, तो इससे भी आपको काफ़ी हद तक कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो ये तो ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिनको फॉलो करके नेमाटोड्स की समस्या को आप कम कर सकते हैं। अब जानते हैं इसका ऑर्गेनिक कंट्रोल क्या है, यदि आप जैविक खेती करते हैं तो कैसे कैसे और भी क्या तरीके हैं जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। पहला है हमारा नीम ऑयल, या आप जो नीम की खली वो भी डाल सकते हैं। नीम की खली जो होती है, जिसको हम नीम केक कहते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है, नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज उसके अंदर होती है, तो आप उसको भी डाल सकते हैं बेड़ों में जब भी आप किसी फसल की प्लांटिंग करते हैं उसके उससे पहले।
या फिर आप ड्रिंचिंग भी ले सकते हैं नीम ऑयल का समय समय पर। नीम ऑयल का ड्रिंच लेने से भी जो नेमाटोड्स है वो कंट्रोल में रहता है, ये नेमाटोड्स को अच्छे से कंट्रोल करने में इफेक्टिव होता है। तो आप इसका ले सकते हैं प्रिवेंटिव में, एज ए प्रिवेंटिव, यदि उसमें समस्या है तो आने से पहले ही ये ड्रिंच लेते रहे तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। एक होता है हमारा ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम, वो भी क्या काम करता है, ट्राइकोडर्मा हर्जिनियम का यदि आप उपयोग करते हैं तो वो भी नेमाटोड्स की जो संख्या है उसको कंट्रोल करता है, नियंत्रित करने में हेल्प करता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक कंट्रोल है जिनको आप चाहें तो करके और जो नेमाटोड्स की समस्या को प्रिवेंट कर सकते हैं, आने से रोक सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, यदि आप केमिकल खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, तो जो केमिकल हैं कुछ इंसेक्टिसाइड उनका आप उपयोग कर सकते हैं। एक आता है हमारा कार्बोफ्यूरॉन, कार्बोफ्यूरॉन के अंदर नेमेटिसाइडल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो आप इसको डाल सकते हैं। आप बुवाई से पहले आप डाल सकते हैं तो, या बुवाई के समय जब भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं उस समय, बैटवेशन के समय आप इसको डाल सकते हैं कार्बोफ्यूरॉन को। तो इसको हमें डालना होता है 5 से लेकर के 8 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से। तो ये नेमाटोड्स की समस्या को कंट्रोल करता है, प्रिवेंट करता है। उसके साथ साथ एक बैलम प्राइम आता है हमारा बायर कंपनी का, उसका जो टेक्निकल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये भी हमें प्रिवेंटिव में डालना होता है अगर नेमाटोड्स की समस्या है तो, ये नेमाटोड्स को नहीं आने देता है। तो इसको क्या करना है, जैसे आपने प्लांटिंग की, प्लांटिंग के 25 से 30 दिन बाद हमें इसको ड्रिंचिंग करना होता है रूट जोन में, प्लांट की में, या तो आप ड्रिप के माध्यम से दे दें या ऐसे ही ड्रिंचिंग कर दें। तो इसको जो डोज रखनी होती है वेलम प्राइम की, वो रखनी होती है 300 ml पर एकड़ के हिसाब से। तो आप वेलम प्राइम भी ड्रिंच कर सकते हैं, ये भी एज ए प्रिवेंटिव काम करता है। एक आता है अडामा का निमिट्स के नाम से, निमिट्स, अडामा का निमिट्स इंसेक्टिसाइड, ये भी काफ़ी अच्छा नेमेटिसाइड है, ये हाईली इफेक्टिव है रूट नॉट नेमाटोड्स के खिलाफ, तो आप इसको भी डाल सकते हैं। ये ग्रैनुलर फॉर्म में आता है, तो इसकी जो डोज हमें रखनी होती है, देखिए पर प्लांट के हिसाब से इसकी डोज कंपनी रिकमेंड करती है कि यदि वेजिटेबल क्रॉप है आपकी तो उसमें 1 से लेकर के 1.5 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से हमें डालना होता है उसके रूट जोन के आसपास। तो इसको आप डाल देते हैं तो ये नेमाटोड्स को कंट्रोल भी करता है, प्रिवेंट भी करता है। पहले डाल दें तो प्रिवेंट करेगा, आने के बाद डाल दें तो कंट्रोल करने में भी इफेक्टिव होता है। उसके साथ साथ इसको आप बड़े प्लांट में भी डाल सकते हैं, जैसे अनार में आपके में नेमाटोड्स की समस्या है तो अनार में हमें 10 ग्राम पर प्लांट के हिसाब से हमें डालना होता है। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये है कुछ नेमेटिसाइड हैं जो अच्छा काम करते हैं, नेमाटोड्स को कंट्रोल करने में काफ़ी इफेक्टिव ये होते हैं। तो इस तरीके से जो भी नेमाटोड्स है आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए नेमाटोड्स को सबसे अच्छा है कि यदि समस्या है तो उसको प्रिवेंट कर लें, आने से पहले रोक लें, क्योंकि एक बार आ जाता है तो फिर बहुत बड़ा नुकसान कर देता है और कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक बार जब रूट डैमेज हो जाती है तो फिर वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं। हाँ, उसको स्प्रेड को रोक दिया जाता है, जिन प्लांट में नहीं है वहाँ पे प्लांट अच्छे आएंगे, लेकिन जिनमें आ चुका है वो डैमेज हो जाएंगे, वो उतने अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो नेमाटोड्स है उसको अब अगर प्रिवेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके फील्ड में समस्या है तो आने से पहले उसे रोकें, ड्रिंच करें। जो भी आप केमिकल का यूज़ करना चाहते हैं, ऑर्गेनिक तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, या जो मैंने प्रैक्टिसेस बताई उनको फॉलो करके आप नियंत्रित करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है जो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, जानकारी अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर के साथ इसे शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुँच सके। मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।